दें सर गए। हाँ लिख दें अनियम सर, मेहरबानी। हास्यो, अनियम हास्यो मतलब हाय या हेलो। किसी को जब मिलते हैं अस्सलाम वालेकुम हम कहते हैं कोरियन में, अनियम हास्यो, अनियम हास्यो। ओके, तो जवाब देने वाला बंदा क्या है बोलेगा, जी मैंने कल परसों बताया था। नियन वावल ए मिला के पढ़ा दूँ, ने का मतलब है जी यस यस। जवाब देने वाला बंदा बोलेगा ने, ने अन्योगा से हो। अनियम हास्यो। ओसामा माइक ऑफ अरे करो। अन्योगास्यो मतलब हाय हेलो। जवाब देने वाला बंदा बोलेगा जी ने अन्योगास्यो, ने अन्योगास्यो, ने अन्योगास्यो। ओके जी, स्क्रीनशॉट सर जी, लो जी। इल ई सम था यार अवैस भाई माइक तो ऑफ करो अपना। ओ युक छिल हाई टू चिप ये। हमने कल 10 तक गिनती पढ़ी थी, साइन ऑफ काउंटिंग, ठीक है जी। इसको कंटिन्यू करते हैं। 10 है जी, 10 के बाद 11 कैसे लिखना है? 10 के बाद 11 कैसे लिखना है? 10 से 11 होता कैसे है? शिबिल 10, शिबिल 10 जमा 1। अच्छा भाई, 10 जमा 1 11। 10 को हमने क्या बोला जी? 10 को हमने शिप, शिप शिप जमा 1 को बोलते हैं जी इल। 10 को हमने पढ़ा जी शिप, 1 को पढ़ा जी इल। मिला के पढ़ा तो नजर आ रहा है जी बोर्ड पे। अच्छा जी, शिप 10 को शिप, 1 को एक, शिप इल, शिप इल। हमने लाइए रूल पढ़ा था कि अगर पाच्यम में कोई कॉन्सोनेंट हो तो उसके फौरन बाद इयंग आ जाए तो वो पाच्यम वाला लफज ऊपर जाके अपनी साउंड देगा। तो मिला के पढ़ा जाएगा शिबिल, शिबिल पढ़ो जी, शिबिल, शिबिल शिबिल साउंड शिबिल माइक ऑफ, शिबिल। फिर उसके बाद 12 कैसे लिखना है? 12 होता कैसे है? 10 जमा 2। 10 को हमने बोला जी शिप, जमा दो को हम बोलते हैं जी ई। मिला के प्लस खत्म करके बोलेंगे ये, फिर बी अप ऊपर जाके साउंड देगा, शिबी, शिबी, शिबी। 13 को कैसे लिखेंगे जी? 13, 10 जमा 3 ऐसे ही है जी। 10 को क्या बोलते हैं जी? शिप। 3 को क्या बोलते हैं जी? सम, शिप सम, शिप सम, ना ना शिप सम। 14 लिखना है तो मतलब शिप शिप चलता जाएगा, साथ इल ई सम सा ना, साथ साथ जो है ना वो लगता जाएगा ऐसे ही है जी। गया हाँ जी, शिप शिप चलता था जाएगा, ना, साथ पुराने इल ई डिजाइन सम चाहिए था, सा नवे ऊपर होंगे वो तब चलता ठीक रहेगा। जाएगा। ओके अच्छा जी, इधर तक किसी को समझ नहीं आई तो वो बता सकता है, नहीं तो स्क्रीनशॉट लो, इसको मैं रेज करना है। सर वो जो कह रहे थे निचली वाली साउंड आगे यूज करनी है ईयू की जगह, वो थोड़ा सा बता दो। जी भाई, रूल है जी, पाच्यम, पाच्यम किसको बोलते हैं? पाच्यम बोलते हैं ये नीचे वाली जगह को, पाच्यम बोलते हैं नीचे वाली जगह को, जो नीचे कॉन्सनेंट आ रहा हो उसको पाच्यम बोलते हैं, ठीक है। अगर पाच्यम में कोई कॉन्सनेंट हो तो उसके फौरन बाद ईयंग आ जाए, क्योंकि ईयंग की अपनी कोई साउंड नहीं, उसके फौरन बाद ईयंग आ जाए तो पाच्यम वाला लफज ऊपर जाकर अपनी साउंड देगा। शिप ही वैसे बोला जाना था, शिप इल, अब बोल रहा है बी, अब ऊपर जाके बी की आवाज दे रहा है, शिबिल, 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 शिबी, शिबी। ओके, स्क्रीनशॉट लो जी। जी सर।
ओके जी, शाबाश यार, हमारी क्लास में सबसे सीनियर और सबसे अकलमंद इंसान वही है जो अपने माइक ऑफ रखते हैं। थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, फिर उसके बाद मैं 19, यार इधर जो मैं लिख रहा हूँ ये नजर आ रहा है, लाइट की रिफ्लेक्शन तो नहीं हो रही? नहीं नहीं सही है सर, ठीक है। ओके जी ओके, मैं 19 लिखना चाह रहा हूँ। 19 कैसे होगा? 10 जमा 9, 10 को हमने बोला है जी शिप, 9 को हम बोलते हैं खू, ऐसे ही है जी, शिप खू, शिप खू। ओके सर, शिप खू। फिर उसके बाद 19 तक तो हम चले गए, इसके बाद 20 ये शिप गु है जी, शिप गु, शिप खू, ये गाफ की साउंड करेगा ये खे की। सर ये जो कंसोनेंट है इसको ये किस किस तरह की आवाज निकालेंगे? फर्स्ट में आएंगे, सेकंड में आएंगे, बॉटम में आएंगे, तो ये कैसी आवाज निकालेंगे? ये भैया आपको पहली वीडियो देखने पड़ेगी, पहली और दूसरी वीडियो जी सर। हाँ जी, तो मैंने लिंक सेंड किया था कि भैया अपने लेक्चर क्लियर करके आइएगा। फिर उसके बाद मैं 20 लिखना चाहता हूँ, ये है जी 20। सबसे पहले ये पता करना है कि 20 में 10 कितने हैं, ये वाला 20 है, इसमें 10 कितने हैं? 2 10 है जी इसमें, 2 जरब 10, 2 जरब 10 इज इक्वल टू 20। 2 को हम बोलते हैं जी ई, 10 को बोलते हैं जी शिप, 2 जी ई शिप आ गया, ई शिप, ई शिप मतलब 20। फिर उसके बाद 21 लिखना है सर, इशी बोला आपने, ई शिप, बट आज सर पहले काउंटिंग नहीं पड़ी, ई शिप। ओके 20 आ गया। फिर इसके बाद इल ई शिप के साथ इल ई सम सा लिखते जाए, 21 22 23 24 आता जाएगा। मसलन मैं 26 लिखना चाहता हूँ, 26 कैसे होगा? 20 को हम बोलते हैं जी ई शिप, ई शिप। 6 को क्या बोलते हैं जी? युक, ई शिप युक, बी अब ऊपर जाके सुन देगा, ई शिप युक। ओके समझ आइए भाई जी सर। हाँ जी, इसको इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इसको रेस करें सर। ये 26 दोबारा जरा बताएं, 26 ये जी ईशिप का पता चल गया जी, ये 20 है, सॉरी 20 का पहले पता करें कि 20 को क्या कहते हैं, 20 को कहते हैं जी ईशिप। फिर उसके बाद 26 जो 6 को कहते हैं वो इधर लगा देना जी, 6 को हम कहते हैं युक, ईशिप युक, ईशिप, बी अप ऊपर जाके ब्युक ब्युक, ईशिप ब्युक। ओके सर, ये 19 को सर क्या कहते हैं जी भाई? शिप खू, खे की आवाज देगा या काफ की आवाज देगा? ये ईशिप सर, ईशिप कू, ये इधर रूल लगा है, ठीक है सर, बताऊंगा नेक्स्ट जाके, इधर रूल लगा है, ठीक है वो बताऊंगा मैं आपको, ईशिप कू। ओके सर, आप क्योंकि वही हमने कम के हमने सुना, हम ये हमने रूल तो पढ़ा था ना कि ये जी बिल्कुल, हमने पहले पढ़ा था कि ये खूब पहली की आवाज देगा मगर दरमियान में जाकर फिर ये दे रहा है। इधर ऐसे याद रखो कि जैसे ये शुरू में आ रहा है ना, ये 9 है, 9 में शुरू में आ रहा है खू, ये खू इधर ही आ गया, ईशिप खू, ईशिप खू। ओके रेस कर दो स्क्रीन शॉट, उसामा भाई आप कैमरा यार बार बार माइक बंद रखे, मेहरबानी है। आपकी क्लास की रिकॉर्डिंग की जा रही है जी, अगर किसी को कोई इश्यू है तो वो बता दे। अच्छा जी, अच्छा जी, मैं इसके बाद लिखना चाह रहा हूँ जी 27। फिर उसके बाद सबसे पहले तो पता करते हैं जी 20 को क्या बोलते हैं, 20 को हम कहते हैं जी ई शिप, ऐसे ही है जी ई शिप। तो 27 कैसे होगा? 27
दो जरब 10 जमा 7, 2 को हम बोलते हैं जी ई, 10 को बोलते हैं जी शिप, 7 को बोलते हैं जी छिल, ई शिप छिल, ई शिप छिल, ई शिप छिल, ऐसे ही है जी। फिर उसके बाद मैं 30 लिखना चाह रहा हूं जी, 30, 30 में पता करना पड़ेगा जी 10 कितनी है, 10 साथ साथ ही चलना है क्योंकि शिप है ना दहाई चल रही है, काई दहाई सैकड़ा दहाई चल रही है तो शिप साथ साथ ही चलेगा, ठीक है जी। ये 30 है, 30 में 3 10 है जी, 3, सर सम शिप शाबाश शाबाश, सम शिप 30 है जी, 3 जरब 10, 3 को कहते हैं जी सम, शाबाश भाई। 10 को बोलते हैं जी शिप, सम शिप, सम शिप, ओके। अगर 31 लिखना है, 31, 31, 32, 33, सम शिप के साथ इन ई सम सा, सामशिप हाँ जी, अवैध सीधे होकर बैठो जी, ओके जी, माइक ऑफ करो। फिर उसके बाद है जी मैं 41 लिखना चाह रहा हूँ, 41, 41, 41 को क्या बोलते हैं, अब 40 आ गया, 40, 40 को क्या बोलते हैं जी, साशिप, साशिप इल, साशिप इल, शाबाश यार, साशिप बिल, 41। मैं लिखना चाह रहा हूं जी 50, ओ जी शाबाश, ओ शिप इज इक्वल टू 50, ओ शिप, शाबाश जी। कल हर बंदे ने 50 तक गिनती लिखनी है जी, 50 तक, जी ठीक है सर, हाँ जी ओके सर, ओके इंशाल्लाह, समझ आई है। मगर भाई आपको सेंड भी करनी है, इसका स्क्रीनशॉट लो जी। मदर भाई जी, आपको ये काउंटिंग साइनों को नहीं गिनती लिख के सेंड करनी है हाँ जी भाई, क्या? मुझे पर्सनल व्हाट्सएप भाई कर रहे हैं, होमवर्क जो भी मिलता है मुझे सब व्हाट्सएप करते हैं, मैं देखता हूँ, अगर किसी को कोई गलती हो तो वो मैं रिप्लाई देता हूँ, नहीं तो रिप्लाई नहीं देता। हाँ ठीक हो गया जी, रेज कर दूँ जी, बहुत शुक्रिया, जी सर कर दें, ओके जी, थैंक सर कर दें, थैंक यू भाई, शुक्रिया यार। क्लास थोड़ी सी स्टार्टिंग में डिस्टर्ब हुई है, अब माशाल्लाह ठीक चल रही है। अच्छा जी, मैं लिखना चाह रहा हूं जी, दोबारा लिख लेते हैं या चलो इधर ही लिख लेते हैं। काउंटिंग के मुतालिक एक क्वेश्चन आना ही आना है भाई, काउंटिंग के मुतालिक पेपर में एक क्वेश्चन आना ही आना है। ज्यादातर ये लिसनिंग में आता है, लिसनिंग में इस तरह से आता है कि कोई चीज दी जाती है, उसकी प्राइस लिखी जाती है कि ये चीज कितने की है, फिर उसके बाद एमसीक्यूज में जो है ना वो लिसनिंग बोली जाती है, इस तरह से क्वेश्चन आता है, इसलिए काउंटिंग को अच्छे तरीके से कीजिएगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद मैं 11 लिखना चाह रहा हूं, 11, 10 जमा 1, 11, शिप इल, एक्सक्यूज सर, जी, सर लिसनिंग में क्या नाम गिनती आ सकती है, तो उसमें क्या नाम है सामने पिक्चर वगैरह शो हो रही होती है हमारे, जी भाई पिक्चर शो हो रही होगी, लिसनिंग भी यानी जी भाई पिक्चर शो हो रही होगी, पिक्चर शो हो रही होगी, पेपर पैटर्न के मतलब अभी हमने बाद नहीं की, बात करेंगे इंशाल्लाह डिटेल से, ठीक है, अभी स्टार्टिंग चल रही है। फिर उसके बाद 12 आ गया जी, 12 कैसे लिखेंगे जी, शिप ई मिला के पढ़ा दो, शिबी शिबी। अच्छा जी, डबल वावल अभी हमने नहीं पढ़े, ये एक वावल है अभी हमने पढ़ने हैं, अभी इसको मुकम्मल करके काउंटिंग स्टार्ट कर दी थी ना, तो इसको मुकम्मल करके पढ़ते हैं, ये वावल है जी वो, अभी पढ़ते हैं। ईयोग इसके ऊपर आ गया है, ईयोग की अपनी कोई साउंड नहीं, जो बावल की आवाज है वही देगा, मिला के पढ़ा तो जो साउंड है बावल की वो वही है जी वो। अब इसके नीचे रियल आ गया तो इसकी साउंड क्या होगी,
रियल नीचे आ रहा है, रियल के नीचे साउंड एल होगी। दिगर शुरू में आ रहा है चेंज कर रहा है जी, थल। थल बोलते हैं जी चांद को, वोल कहते हैं महीने को, महीना चांद सेम ही है। ये लफज महीने के लिए भी यूज होगा जी, वैसे इसका मतलब चांद भी है, ठीक है, दोनों लफज महीने के लिए यूज होंगे जी। अब करना क्या है, ये काउंटिंग है, काउंटिंग के साथ सिर्फ वोल लिखना है तो महीनों के नाम आ जाएंगे। वोल 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 वोल, यानी चौथा महीना पांचवा महीना इस तरह से होगा, प्रॉपर नेम नहीं है, दिसंबर दिसंबर नवंबर इस तरह। वो एक मिनट बताता हूँ जी, वोल वोल सिर्फ वोल लिखना है, काउंटिंग के साथ वोल लिखना है तो महीनों के नाम आ जाएंगे जी। वोल अब सिर्फ और सिर्फ सेम वही है, सिर्फ इसमें जो दसवां महीना है ये वाला, इसका पाच्यम नहीं है, मतलब ये बीएफ नहीं है जी, महीने हम पढ़ रहे हैं जी। फिर उसके बाद एक छठा महीना है, छठे महीने का पाच्यम नहीं है जी, बाकी सब कुछ सेम है जी, सिर्फ और सिर्फ पाच्यम नहीं है। अच्छा बात ये है कि आप इसको याद करना है, आठवां महीना, नौवां महीना, छठा महीना, सातवां महीना ऐसे याद कर ले, या जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे याद करना, ऐसे याद कर ले। तो मेरे ख्याल से तो बेहतर यही है कि जिस तरह से हमने काउंटिंग याद की है ऐसे याद कर ले, नौवां महीना, दसवां महीना, ग्यारहवां महीना। फल का हमें पता है आठ को कहते हैं, इसके साथ वोल लगता है, हर वोल। सर अगर जी जी सर आप कह रहे हैं छठे में और दसवें में पश्चिम नहीं है तो उसको बोलना सेम ही वैसे ही युग की और नहीं नहीं छिपी बोलना नहीं जी, अभी हमने पढ़ने हैं ये, मैं अभी आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। ये बहुत सारे मतलब जो महीने हैं इन्होंने इनमें से इस सॉरी बहुत ये जो मैंने लिखे हैं इनमें बहुत सारे हैं, इन सब में तकरीबन जो है वो लाइन रूल लगेगा। पाछे में कॉन्सनेंट, इसके फौरन बाद यंग, पाछे में कॉन्सनेंट, इसके फौरन बाद यंग, लफज ऊपर जाएंगे जी, ठीक है, इस चीज का ख्याल रखना है। सबसे पहले है जी ये रियल है, इसके बाद यंग आ रहा है, रियल ऊपर जाके सौंड देगा, ये तो वोल है, ये इल है, रोवल ईरवल, पढ़ो जी ईरवल 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 ईवल, माइक ऑफ, ईवल ईवल, समवल समवल, सावल सावल, ओवल ओवल, यूवल यूवल, ये रियल ऊपर जाके सौंड देगा जी, छिरवल छिरवल छिरवल, ये भी रियल ऊपर जाएगा जी, फारवल फारवल फारवल, खूवल खूवल खूवल, शीवल शीवल शीवल। अब इधर दो दफा रूल लगेगा, पहले ये बी एफ ऊपर जाएगा फिर ये रियल ऊपर जाएगा, शीबी रोवल शीबी रोवल शिबिरवल 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 शिबिवल 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 शिबिवल। ओके है जी, महीनों के नाम आ गए हैं जी, अगर किसी को कोई प्रोनाउंसिएशन का मसला है तो वो बताए। सर ये कब आ रही है, किस तरह पढ़ा जाएगा सर जी, बहुत डिफिकल्ट हो रहा है थोड़ा सा ना। कौन सा ये आपने शुरू से पढ़ाया ना, इसके अंदर मतलब कि थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है कि किस तरह क्या वर्ड किस तरह पढ़ना है। ये जो गिनती है ये तो सही आ गई है जी, लेकिन ये जो महीने के नाम है ना इसके अंदर थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है कि क्या पढ़ना है, किस हिसाब से इसको आगे पीछे लेके जाना है। मतलब आप पहले दिन क्लास कर रहे हो जी सर? हाँ जी। अच्छा भाई बात ये है कि पाच्यम हमने पढ़ा है, पाच्यम किस तरह लिखा जी, आ के नीचे मैंने रियल लिख दी है, पाच्यम इसको बोलते हैं, जो लफज के नीचे आ रहा होगा उसको हम पाच्यम बोलते हैं, पाच्यम
पश्चिम, ठीक है। हमने रूल पढ़ा था छोटा सा, अगर पश्चिम में कोई कॉन्सोनेंट हो तो उसके फौरन बाद ईयंग आ जाए। पश्चिम में कॉन्सोनेंट है, उसके फौरन बाद ईयंग, ईयंग की अपनी कोई साउंड नहीं। पश्चिम में कॉन्सोनेंट इसके फौरन बाद ईयंग आ जाए तो पश्चिम वाला लफज ईयंग की जगह जाकर अपनी पहली आवाज देगा। तो लिहाजा लिखने में यही आएगा, पढ़ने में ये आएगा आ, रियल ऊपर जाके साउंड देगा, आरा आरा, ये भी आए आरा, ओके। इसके बाद यो, आरायो, आरायो मतलब जानता हूं, आरायो आरायो जानते हो, समझ आ गई है? नहीं आरायो जी सर, नहीं जी सर आ गई है, थैंक यू सर। हाँ जी।